हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जानने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका कॉन्सेप्ट मार्केट में कैसे आया और एक किन वजहों से अस्तित्व में आया। तो आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी की। ये हो गया बिटकॉइन। अब सबसे पहले मैं कुछ आपको थ्योरी समझाता हूँ, फिर आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, इस कॉन्सेप्ट की मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आप ये आप हो गए, आप कहीं से भी 1 लाख रुपए अर्न करते हैं या फिर कमाते हैं, और फिर उस पैसे का क्या करते हैं आप। जाहिर सी बात है, आप अपने किसी बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट ओपन कराते हैं। मान लीजिए बैंक हो गया, आप बैंक में 1 लाख रुपए आप जाके डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो आपने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, ये बैंक इस पैसे को यहीं पे रखेगा या फिर कहीं और यूज करेगा। तो जाहिर सी बात है वो कहीं और यूज करेगा। मान लीजिए ये बैंक 1 लाख रुपए उठा के किसी को, मान लीजिए यहाँ पे राहुल है और बैंक ने राहुल को 90,000 रुपए, ये 90,000 रुपए राहुल को मान लीजिए पर्सनल लोन दे दिया 90,000 रुपए। अब आपके अकाउंट में भी 1 लाख रुपए शो हो रहा है, राहुल के अकाउंट में भी 90,000 रुपए शो हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बैंक ने जो टोटल वैल्यू थी वो 1,90,000 रुपए कर दी। आप जाहिर सी बात है आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 1,90,000 रुपए हो गया। लेकिन आप ये सोचिए कि जो आपके अकाउंट में दिख रहा है, अब यहाँ राहुल के अकाउंट में दिख रहा है, ये 90,000 रुपए राहुल के अकाउंट में दिख रहा है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए शो हो रहा है, ये क्या ये रियल मनी है? जी नहीं। एक तरह से ये आप जैसे भी अगर अपना नेट बैंकिंग यूज करते होंगे, आप अपना नेट बैंकिंग के थ्रू देखेंगे या कैसे भी अपने अकाउंट को एक्सेस करेंगे देखेंगे, तो वो एक तरह से डिजिटल फॉर्म में होता है। राहुल के भी अकाउंट में डिजिटल फॉर्म है, हालांकि राहुल जैसे 90,000 रुपए लिया है लोन, अब वो तो बाद में चुका देगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए बैंक के पास तो खाली 1 लाख रुपए आए थे, जो आपने यहाँ पे डिपॉजिट किए 1 लाख रुपए, बैंक के पास तो इतना ही रुपया आया था। लेकिन वो अब दो दो अकाउंट में दिख रहा है, एक आपकी जगह आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए दिख रहा है और राहुल के अकाउंट में 90,000 रुपए दिख रहा है। तो 1,90,000 रुपए कैसे हो गया, सोचने वाली बात है। ये तो मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूँ, लेकिन ये जो नंबर्स है ना, ये बहुत बड़ा एक तरह से मार्केट में चल रहा है। जो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो इस तरह से बहुत बड़े स्केल पे ये चीजें हो रही हैं मार्केट में। अब मान लीजिए आप हैं या आपकी तरह बहुत सारे लोग एक साथ बैंक में चले जाएं, मान लीजिए ये बैंक हो गया, ऐसा आपके साथ हो सकता है कि ऐसा हुआ हो जब भी आप बैंक में गए हो। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में मान लीजिए कि 10 लाख रुपया है यहाँ पे, और आप बैंक में जाते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे कैश ये विड्रॉ करना है 10 लाख रुपए। तो कभी कभी होता क्या है कि बैंक में जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। आप अगर जाएंगे बैंक में कि आप मुझे मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए मुझे तुरंत चाहिए, तो बैंक वाला बोलेगा कि सर अभी अपने बैंक में कैश अवेलेबल नहीं है, आप कल या परसों आके ले सकते हैं, या फिर किसी अदर आप ब्रांच में जाके वहां ट्राई कर सकते हैं, वहां पे अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। अब सोचिए आपका ही पैसा आपको आपके टाइम पे नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि उस पैसे को बैंक ने मल्टीपल जगह यूज किया हुआ है, उसके पास लिक्विडिटी तो है ही नहीं। उसी पैसे को किसी को लोन दिया है, कहीं और जगह इन्वेस्ट किया है बैंक, और आप अगर तुरंत पैसा मांगने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। वो आपको ये बोल सकते हैं कि आप जो है वेट कर लीजिए, कोई आके डिपॉजिट करेगा, कोई मान लीजिए कि थर्ड पर्सन आके यहाँ पे डिपॉजिट करेगा, तब जाके आपको उसी पैसे का आपको वो रिटर्न दे देंगे, जो डिपॉजिट हुआ वही पैसा आपको उठा के दे देंगे, ये बैंक वाले कह सकते हैं। अब आपको एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सन 2008 की बात है, बहुत से लोगों को पता होगा कि 2008 में आर्थिक मंदी आई थी पूरे विश्व में, जिसमें कि जो शेयर मार्केट है वो पूरी तरह से क्रैश हो गया था, शेयर मार्केट पूरा ड्राउन डाउन हो गया पूरे वर्ल्ड में। अब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो यूएस से हुई थी, यूएस की एक बैंक थी लेहमान ब्रदर के नाम पे। 2008 में लेहमान ब्रदर्स, आप बहुत लोग जानते होंगे कि यूएस की फोर्थ लार्जेस्ट बैंक थी, और उस टाइम जो ये क्राइसिस आया था, आर्थिक मंदी आई थी, इस बैंक ने खुद को ही बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया था। अब उस टाइम जो इसका जो जो टोटल एसेट था वो $600 बिलियन के बराबर था, और उस टाइम 25,000 जो एम्प्लॉयज थे जो बैंक में काम करते थे उनको जॉबलेस होना पड़ा था। अब बहुतों ने तो सुसाइड भी कर लिया था। अब सोचिए 2008 के बाद जब ये आर्थिक मंदी आई थी, बहुत लोग बर्बाद हुए थे, और जब यहाँ पे फोर्थ लार्जेस्ट बैंक यूएस का भी मतलब बैंक करप्ट अपने आप को घोषित कर दिया था, तो बहुत लोग सुसाइड भी किए थे। तो उस टाइम जो लोग थे, लोगों का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं बैंक वगैरह, उन सबसे भरोसा उठ गया
क्योंकि जो भी फिएट करेंसियां होती है वो कॉइन को गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, फिर गवर्नमेंट या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं गवर्नमेंट की निगरानी में वो ऑपरेट करते हैं, उसमें उस सिस्टम में जब इतना प्रॉब्लम हो सकता है, आर्थिक मंदी आ सकती है, लोग बर्बाद हो सकते हैं, जिनका पैसा डूब सकता है, तो आप ये सोचिए हम भरोसा करें तो किस पे करें। 2008 में ये सब चीजों के आने के बाद एक व्हाइट पेपर पब्लिश होता है इंटरनेट पे, वो व्हाइट पेपर को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, ये जो है 2008 में इंटरनेट पे ये व्हाइट पेपर पब्लिश होता है और इसके बारे में पूरी जानकारी दी होती है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या है, जिस बंदे ने डाला था उसका नाम था सतोशी नाकामोटो, कौन है एनोनिमस पर्सन है आई डोंट नो, अभी तक पता नहीं चल पाया ये बंदा है कौन, लेकिन ये जैसे व्हाइट पेपर यहाँ पे पब्लिश किया था इंटरनेट पे, उसमें उसने बताया था कि ये जो बिटकॉइन है ये कैसे काम करता है, और आप यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन कैसे होता है, एक यहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होगा, यानी इसमें कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएगा तो लोगों का जो भरोसा है, अभी 2008 की मैं बात कर रहा था अभी इससे पहले, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के होते हुए भी लोगों का बहुत बड़ा लॉस हो गया था, इस सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ गया था, विश्वास उठ गया था। अगर फिर से वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर किसी भी पेमेंट के बीच में, अगर मान लीजिए हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें कोई थर्ड पार्टी आती है तो फिर भरोसा कैसे बनेगा लोगों का। तो यहाँ पे इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया मार्केट में जो व्हाइट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, या पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, इसमें क्या होगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर कर सकता था बिना किसी थर्ड पार्टी, बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के निगरानी में, बिना किसी गवर्नमेंट के निगरानी में। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन यहाँ पे बाकायदे दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे किस तरह से ट्रांजेक्शन होते हैं, किस तरह से हैज आईडी होती है, कि उसको कैसे वेरीफाई किया जाता है और किस सर्वर पे काम करता है वो, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन होता है उसको कैसे वो लोग वेरीफाई करते हैं, और जब कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें कोई भी ऐसा पावर चाहिए, कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, यानी कंप्यूटर द्वारा सीपीयू द्वारा ऐसा पावर चाहिए ताकि उस ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल करा सके। तो उसके बिहार पे उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे दिया गया इंसेंटिव उनको मिलेगा, जो कि उस ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल कराएंगे, एक कंप्यूटेशनल पावर देके उसका जो भी एल्गोरिथम होगा उसको सॉल्व करेंगे, तो वहां पे ये चीजें उनको जो है कि इंसेंटिव भी मिलेगा। उसके बाद सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट उनको वेरीफाई करेंगे उनकी, उसके बदले उनको रिवॉर्ड मिलेगा, जिसको हम माइनिंग कहते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये सब सारी चीजें इंटरनेट पे पब्लिश होती हैं सन 2008 में, लेकिन सन 2008 में ये बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट है ये मार्केट में तो आ गया, इंटरनेट पे आ गया, लोगों के जहन में आ गया, लेकिन उस टाइम 2008 में जो बिटकॉइन है उसकी जो वैल्यू थी वो जीरो, बिल्कुल जीरो थी। उसके बाद मैं बात करता हूँ 2010 की, 2010 में क्या हुआ, 18 मई 2010 को बिटकॉइन के सर्वर पे एक पोस्ट पब्लिश होती है। यहाँ पे आप देखिए 18 मई 2010 को ये बिटकॉइन के सर्वर पे ये पोस्ट पब्लिश होता है, जिसमें लिखा था आई विल पे 10,000 बिटकॉइन, मैं यानी मैं 10,000 बिटकॉइन पे करूंगा अगर मुझे कोई दो पिज्जा ला के दे दे। और इस पोस्ट के बस चार दिनों के बाद 22 मई 2010 को फिर से उसी बंदे ने यहाँ पे एक और पोस्ट किया, आई जस्ट वॉन्ट टू रिपोर्ट दैट आई सक्सेसफुली ट्रेडेड 10,000 बिटकॉइन फॉर पिज्जा, यानी 10,000 बिटकॉइन के बदले उसने पिज्जा को सक्सेसफुली परचेज कर लिया है, यानी ट्रेड कर लिया है। तो सोचिए 2010 में 22 मई 2010 को 10,000 बिटकॉइन में दो पिज्जा बाई किया गया था, आप विश्वास नहीं करेंगे। और उस 22 मई 2010 को बिटकॉइन पिज्जा डे भी कहा जाता है, यहाँ पे आप देखिए 22 मई 2010 को बिटकॉइन पिज्जा डे भी कहा जाता है। अब आप सोचिए कि उस टाइम बिटकॉइन की क्या वैल्यू थी, 10,000 बिटकॉइन में एक दो पिज्जा। आज की डेट की बात करें तो आपको पता होगा अभी 2021 की अगर मैं बात करूं तो 50 लाख रुपए को भी ये क्रॉस करके आ चुका है बिटकॉइन, आपको यकीन नहीं होगा। यहाँ पे आप 2009 में आप देखिए 2009 में इसका जो बिटकॉइन जो प्राइस था वो $0.003 था, और 2010 में एक बिटकॉइन की प्राइस वो आधा डॉलर हुआ, और 2011 में आप देखिए $1 से लेकर $10 तक गया था। उसके बाद 2012 की मैं बात करूं तो $10 था, 2013 में $600 गया, और 2014 में $310 था, 2016 में $1,000। आप ये सोचिए कि 5 से 6 सालों में 1,000 गुना का प्रॉफिट दिया। उसके बाद 2017 में $19,000 और 2021 में ये $60,000 अभी अप्रैल में क्रॉस करके आ चुका है, $60,000। अभी का जो रेट चल रहा है वो $43,000 से $44,000 के आसपास चल रहा है इसका रेट, अभी आज की मैं बात करूं सितंबर 26 के आसपास, तो ये अभी $43,000-$44,000 के आसपास चल रहा है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आने वाले 2031 तक बिटकॉइन का प्राइस क्या होने वाला है। यहां पे दो लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों का मानना होगा हो सकता है 1 मिलियन यानी 10 लाख भी पहुंच सकता है, $10 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, रुपए की नहीं, $1 मिलियन तक पहुंच सकता है। बहुत लोग कहने वाले हो सकते हैं कि वो जीरो भी हो सकता है। तो आपका क्या कहना है, आप जो है
कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, क्योंकि मान लीजिए अभी $1 million यानी $10 लाख अगर ये हो जाता है आने वाले 2031 तक, तो अभी का इन्वेस्ट किया गया पैसा चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, वो कम से कम 20x या 30x हो सकता है, आराम से हो सकता है। तो आपका क्या कहना है, आपका क्या सुझाव है, वो कमेंट में जरूर हमें बताएं कि ये इसका जो प्रेडिक्शन है वो ऐसा हो सकता है या फिर कहां ये मार्केट जा सकता है। क्योंकि हम यहाँ पे दो चीजों के बारे में हमने बात किया, क्योंकि जो बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, जहां पे कोई भी थर्ड पार्टी या आप कह लीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीच में नहीं आती है। और हम एक ऐसी करेंसी की मैं बात करूं जिसको फिएट करेंसी कहते हैं, या फिर आप समझिए कि जिस जो करेंसी अभी आपकी जेब में है आप यूज करते हैं, वो किसी न किसी गवर्नमेंट के अधीन होती है या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। और आपका भरोसा जो होता है, आपका जो बिलीव है वो कहाँ पे है, क्योंकि दोनों सिस्टम में बात भरोसा करने की है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2008 में ऐसा आर्थिक मंदी आया था, बहुत लोग बर्बाद हो गए थे उस टाइम, क्योंकि वो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, फिर भी गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर पाई उस चीज को। तो आप सोचिए आपका ही पैसा, आप लोग लॉस कर बैठे थे उस टाइम, शेयर मार्केट गिर चुका था। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पे भरोसा करने के लिए आप ये सोचिए कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं है, जो आपका पैसा वो आपका ही होता है, आप जहाँ भी ट्रांसफर करेंगे वो आपका पैसा जो है वहाँ पे डायरेक्ट बिना किसी थर्ड पार्टी के वो वहाँ पे डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो आपको बिलीव किस सिस्टम में है वो आप हमें जरूर कमेंट में बताइए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, फिर मिलते हैं आपसे।